थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो रहा है भाई। इतनी ऊंची गाड़ी मैंने आज तक कभी लाइफ में चढ़ा ही नहीं है। मेरे हिसाब से नहीं चढ़ेगी, क्या लगता है? पूरी अच्छे से नहीं, मुझे फिर ऐसे बैठना पड़ेगा। आयर स्टीयरिंग टूट जाएगा। बस बस बस, गाड़ी नीचे बजी। लद्दाख ना इस गाड़ी से देखने में ना कुछ अलग ही दिखता है, ज्यादा सुंदर दिखता है भाई। सपना है इस गाड़ी को हाईएस्ट मोटरेबल पीक पे लेके जाना, पहुंचेगी। सो गुड मॉर्निंग ट्रेकिनाम, स्वागत है आप सबका मेरे आज के एक और प्यारे से वीडियो में। काफी ज्यादा प्यार दिया भाई तुम सबने, 30,000 सब्सक्राइबर्स जो थे अभी हुए हैं। जब ये वाला ब्लॉग पोस्ट होगा मुझे नहीं पता तब कितने सब्सक्राइबर्स होंगे। तो पता है ट्रेकिनाम के दिल में ये चीज है कि 2.7 मिलियन वाला चैनल जो था वो वापस नहीं आ पाया। होटल वाले भैया थे वो बोल रहे थे कि पैंगोंग लेक के लिए रास्ता जो है ना वो बहुत टूटा फूटा है, मतलब वहां पे ना ये गाड़ी चले तो जाएगी, खुदा ना करे भगवान ना करे कि टायर फट गया कहीं पे, बहुत दिक्कत आ जाएगी। उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, सबसे बेस्ट है कि अपना बाइक से जाओ। आयरा भी मेरे को कह रही है बाइक राइड करते हुए जाएंगे, आयरा भी बाइक वगैरह चलाती है। मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया कि हाईएस्ट मोटरबल पीक पे तुम्हारा भाई अवंती को लेके जाएगा। गाड़ी ना नीचे लगी हुई है एंड एक दिन से ना नीचे ही है, बहुत मैली हो गई है। जब से हम करगिल से आए ना 200 एंड समथिंग था करगिल से डायरेक्ट ले के लिए, वो भी पूरे सदमे में, मतलब दिमाग ना पूरा फट रहा था कि भाई चैनल नहीं आ रहा, क्या करूं क्या करूं, किधर जाऊं। से पापा फोन कर रहे हैं, मम्मा फोन कर रहे हैं, भाई फोन कर रहे हैं, सिस्टर फोन कर रहे हैं, जीजू फोन कर रहे हैं। उनको ये डर लग गया कि यार कमजोर दिल का हूं तो चैनल कहीं चले गया तो ये लड़का कुछ कर ना दे। तो फिर मैंने ये चीज से मैंने मम्मी पापा को थोड़ा टाइम दिया, रात भर वीडियो कॉल कर रहा था। आज का ब्लॉग जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आयरा जो है वो गई है फ्रेश होने के लिए, तुम्हारा भाई जा रहा है भाई बाहर, हम जाएंगे। आज आपको थोड़ा सा लद्दाख दिखाएंगे, बहुत चीजें जो थी मैंने परचेज करनी थी। मैंने आयरा को बोला कि चल साथ, बोल रही है मैं रेस्ट करती हूँ, तू जा मैं गाड़ी धुला के आता हूँ, कार को वॉश वगैरह कराऊंगा, साथ में थोड़ी बहुत रिएक्शन। लद्दाख में फर्स्ट टाइम अवंती आई है तो तुम्हें पता प्यारा रिएक्शन ही मिलेगा। सारे मुझे ये भी कमेंट कर रहे थे, आमिर भाई आप बोल रहे थे कि आपको सबसे ज्यादा प्यार जम्मू एंड कश्मीर से करते हैं, बट आप कभी असम आओ, कोलकाता आओ, आप कभी उड़ीसा आओ, मेरे को पता है वहां से भी बहुत प्यार करते हैं, गुजरात से, मुंबई से। चैनल बेशक एक उड़ जाए, दो उड़ जाए, पांच उड़ जाए, हमारा भाई ब्लॉगिंग करना नहीं छोड़ेगा। बिकॉज ये मैं सिर्फ पैसों के लिए नहीं है, मेरा पैशन है। तुम्हारे भाई को वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, अपना लाइफस्टाइल दिखाना अच्छा लगता है। सो अभी मैंने आयरा को बोला था आजा, बट ये नहीं आ रही है। करगिल से आते समय ना मेरे जूते जो थे सारे गीले हो गए हैं। आयरा देखो यहाँ पे क्या कर रही है, शूज क्लीन कर रही हूँ। आप मैंने क्लीन करने के लिए बोला ही नहीं तुझे, बस करो। अभी ये देखो मैंने एक ही आंख पे लगाया था, ये चेक करो देखो। अभी हमारे शूज जो है वो रेडी हो गए, तो तुम्हारा भाई आज कुछ इस तरह से बन के जा रहा है। ये रहा हमारा लद्दाख गाइस, बहुत सुंदर है, ये रहा गोरा, चेक करो हमारे पास ना आज यहाँ पे सोने के मॉन्यूमेंट्स होते हैं, सोने की चीजें होती है। मेरे साथ बाहर तो नहीं आ रही है लेकिन यहाँ पे तुम ये देख पा रहे हो पलकों को क्या चल रहा है, मुझे बताया कमेंट करके। और ये इतना बड़ा मेकअप बॉक्स, मेकअप नहीं है ये, स्किन केयर है, मेकअप और स्किन केयर लगा हुआ है। सही, इतना सारा स्किन केयर, ये केड़ा स्किन केयर है, ये क्या सर? आयरा की तरह मैं करता रहूं ना मेकअप वगैरह, अगर मैंने चालू कर दिया फिर हमने कर लिया लद्दाख राइड कंप्लीट, ले गए हाईएस्ट मोटरबल पीक पे ले गए। हाईलाइशेस देखो मेरे, कोई इंटरेस्ट नहीं है ना लड़की को कि राइड पे जाना नहीं जाना, टांगे पे चलोगे, इसके बस आईलैशेस अच्छे होने चाहिए। मुझे अपना मेकअप करने दोगे प्लीज? क्या अपना मेकअप करने दो, तू पागल हो गई? 1 लाख सब्सक्राइबर कराते हो तो आयरा मेरा मेकअप करेगी, पक्का डन डन पक्का। 1 लाख सब्सक्राइबर करोगे ना अगर, तो ये सारी किट आयरा यूज करेगी मेरे पे, आईलैशेस मेकअप लिपस्टिक जो लगाना होगा ना वो ही पक्का करने दोगे? पक्का 1 लाख सब्सक्राइबर, ठीक है याद रखना। मैंने 12 बजे का नींबू पानी ऑर्डर किया था और अभी तक ना लेमन वाटर अभी तक नहीं पहुंचा भाई। इसको पूछता हूँ भाई लेमन वाटर देगा, वाटर बना रहा है या बम बना रहा है पता नहीं, नींबू पानी मंगवाया था, बम बना रहे हैं। आज हम चाहेंगे हल्का सा लद्दाख एक्सप्लोर करने के लिए, सारी चीजें मस्त रहे, गाड़ी तो भाई बढ़िया लग रही है, बस थोड़ी सी वॉश करानी है हमें, वॉश कराना इंपॉर्टेंट है यार, गाड़ी ना धुलाई नहीं है जब से मैंने लाई है, पीना मैंने नींबू पानी था। अभी गोरों का रिएक्शन देखते हैं, चेक करते हैं भाई, मेरे को घूर घूर के देख रहे हैं, इवन की गोरे भी देख रहे हैं, गोरे इसलिए देख रहे हैं बिकॉज इंडियन ब्रांड की गाड़ी है। बहुत सारे गोरे हैं हमारे होटल में, मुझे नहीं पता क्यों है बट है। तो अभी जब गाड़ी को वॉश कराएंगे ना तो और बढ़िया रिएक्शन आएंगे। और यहाँ पे मैं कैफे वगैरह भी देख रहा हूँ, काफी बढ़िया कैफे है भाई यहाँ पे ना, चारों तरफ ना आर्मी है भाई, बहुत सारी आर्मी है, ठीक है ना भाई। सोच रहे होंगे ये बंदा गाड़ी लेके कैसे आया, खुश होते हो मेरी वीडियोस देख के, मुझे अच्छा लगता है तुम प्यार देते हो, तुम सबने पहले मुझे बहुत कुछ दिया भाई, वो जो 2.5 मिलियन तक का सफर था ना तुम सबने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मेरे पापा मुझे बड़ा समझाते हैं, मम्मी भी बड़ा समझाती है, इस टाइम पे ना अपने आप को संभालना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से, इस टाइम पे जो बंदा अपने आप को संभाल गया ना वही असली किंग है भाई। मैं मेरे अच्छे और बुरे दोनों टाइम में ना बहुत इज्जत करता हूँ अपने सब्सक्राइबर्स की, जो भी आता है बेचारा मिलने के लिए किसी को मना नहीं करता हूँ, बट यहाँ पे एक चीज आती है कभी मैं फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ या कहीं दूर जा रहा हूँ समझ लो, तो बीच में कोई लोग मिलते हैं, मैं मिल नहीं पाता या गाड़ी रोक नहीं पाता, उसके लिए कभी कभार कुछ बंदे गुस्सा हो जाते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कुछ इस तरह की जगह पे, ये आई थिंक मेन सिटी वाली साइड है, ये देख पा रहे होगे। सो यहाँ पे कोई सिग्नल वगैरह कुछ भी नहीं होता, ट्रैफिक ऑफिसर्स जो है वो खड़े होते हैं,
एंड वो चेक करो रिएक्शंस देख पा रहे हो बच्चों के भाई लद्दाख ना इस गाड़ी से देखने में ना कुछ अलग ही दिखता है, ज्यादा सुंदर दिखता है भाई। भाई जी मैं वॉशिंग सेंटर ढूंढ रहा हूँ, वो तो नहीं मिल रहा। अभी मेरे को पूरा आधा घंटा हो गया यहाँ पे घूमते हुए भाई। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे ना अपना सर्विस स्टेशन नहीं मिल रहा भाई मेरे को, और मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे स्टूपा करके बोला इन्होंने यहाँ पे नीचे, होपफुली वहाँ पे मिल जाए। बाकी लद्दाख से जितने भी भाई मेरे को देखते हैं दिल भर के प्यारा भाई, यहाँ पे चेक करो ये ऐसे ऐसा प्यार कहीं और नहीं मिलता है। अभी हम खो गए थे तो ये रहा हमारा भाई, हमें एक मिल गया। चलो मैं बताता हूं। हमारे सब्सक्राइबर जान शान पहचान। आपकी गाड़ी अच्छी तरह धोनी पड़ेगी है ना, बहुत गंदी हो गई है भाई। जगह तो थी यहाँ पे भाई, घूम गई अचानक से यार। कैसी पावर है भाई, फर्स्ट टाइम बैठा मेरे साथ, करो गाइस छोटे छोटे बच्चों का रिएक्शन चेक करो। सभी हम आ चुके हैं यहाँ पे वॉशिंग सेंटर, बट यहाँ पे ना गाड़ी यहाँ चढ़ानी पड़ेगी भाई, बोल रहे हैं ये थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो रहा है भाई। इतनी ऊंची गाड़ी मैंने आज तक कभी लाइफ में चढ़ाई नहीं है, तो यहाँ पे गाड़ी चढ़ानी पड़ेगी, ट्राई करते हैं। मेरे हिसाब से नहीं चढ़ेगी, क्या लगता है? काफी ऊंचा है यार, ये देखो हल्का सा निशान भी पड़ गया, ये देख रहे हो, पता नहीं क्या टूटा होगा इसका। इसका ना ये वाले जो पार्ट्स है ना, ये वाले पार्ट्स टूट जाते हैं, बट चलो ये वाले रिपेयर भी हो जाते हैं। ये देख पा रहे हो फाइबर है भाई। अभी इस गाड़ी को हमने बहुत दूर लेके जाना है तो नहीं लेके जाएंगे भाई। यहाँ पे अभी तक कोई ऐसी स्पोर्ट्स कार आई है मतलब इस तरह की? नहीं आई। PC20 जो है भाई वो लद्दाख आई है। तो अगर इसका टायर वगैरह फट जाता है या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है भाई, या इसके ब्रेक पैड्स वगैरह चले जाते हैं, तो तुम सोचो मेरे को यहाँ से फ्लैट बेल्ट में चढ़ा के ना जम्मू ले जानी पड़ेगी, या कम से कम श्रीनगर तक। श्रीनगर में ही इसका सामान मिल पाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी कुछ इस तरह की गाड़ी यहाँ लेके आते ना भाई, तो थोड़ा संभल कर। थोड़ा ना ऐसा लग रहा है कि यार हम जो वीडियोज है वो रेगुलरली वीडियो में पहले भी डालता था, अभी भी डाल रहा हूँ। बस फर्क इतना है, पहले 2.7 मिलियन वाला चैनल था, अभी 30K वाला चैनल है। जो अपने पे ट्रस्ट है भाई, जल्द से जल्द हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करेंगे। मेरे पास ऐसे भी ऑलरेडी 2 सिल्वर प्ले बटन पड़े हुए हैं, हाँ एक गोल्डन पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ गाइस कि आमिर माजिद ब्लॉग्स से एक गोल्डन प्ले बटन आए, एंड इवन कि गोल्डन छोड़ो, मैं चाहता हूँ कि भाई अपना डायमंड प्ले बटन आए। मेरी पूरी पूरा 100% दूंगा, मेरा डेली ब्लॉग्स करूंगा। अभी गाड़ी को वॉश कराएंगे एंड थोड़ा सा ना सिटी वाली साइड जाएंगे। कल वाले वीडियो में ना मेरे को ऐसा लग रहा था कि इतनी ज्यादा गर्मी है, वो जो गर्मी है वो पोल्यूशन के कारण है, बट यहाँ पे एक बार स्काई देखो तुम भाई, कितना ऑसम दिख रहा है ना। पोल्यूशन वगैरह तो नहीं है, असल में यहाँ पे गर्मी है भाई, बिकॉज अभी टाइम ही वैसा चल रहा है ना, अगस्त वाला सीजन चल रहा है। और उन जगहों पे तो मुझे पता है इस टाइम पे बारिश पड़ रही है, बट लद्दाख में थोड़ी सी गर्मी है। शाम के टाइम मौसम एकदम मस्त है, बैक साइड पे देख पा रहे होगे भाई। पे हमारी साबुन वाली वॉशिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। भैया साबुन मार नहीं रहे थे, हमने रिक्वेस्ट की, पानी यहाँ इकट्ठा हो रहा है भैया का, गाड़ी वहाँ लगी हुई थी इसी कारण चलो रिक्वेस्ट करके हमने गाड़ी धुलवा दिया। भैया आपका भी यूट्यूब चैनल है? क्या बात है भाई, देख पा रहे होगे चांस ये गाड़ी यहाँ खराब हो जाती है, तो इसका रिपेयर होने का सिस्टम है नामुमकिन। और एक और चीज पूछ ली थी, मेरा सपना है इस गाड़ी को हाईएस्ट मोटरेबल पीक पे लेके जाना, पहुंचेगी? आराम से चलाना पड़ेगा लेकिन पहुंचेगा। खड़दुंगला कहाँ, यहाँ से कितना किलोमीटर है? 50 होगा, 50 से कम ही होगा, पहुंच जाएगी। क्या रेट होगा यहाँ पे एक बाइक अगर रेंटेड लेनी हो? 1800 भैया, थोड़ा और महंगा बोलो। मैं 2000 तो बाइक पे डिपेंड करता ना, आपको अच्छा सा बाइक लेंगे लेनी मिलता है यार रेंट पे, और इससे अच्छा क्या लोगे आप? पैसा कमा रहे भैया, मेरा मैं कमाता था पैसे, लेकिन मेरा ना चैनल टर्मिनेट हो गया, मेरे थे 2.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर दिया यूट्यूब ने। अभी मेरे जो नया चैनल बनाया उसको भी कोई 30,000 सब्सक्राइबर्स है, यही कमाया भाई बस। और जनता कमाई है थोड़ी बहुत। अब निकल रहे हैं अपने होटल रूम वाली साइड, तो मैं सोच रहा था पहले सिटी जाऊंगा, बट भाई आज कैंसिल हुआ क्योंकि मैं अकेला नहीं जाना चाहता, आयरा होगी तो आयरा के साथ जाएंगे। भाई दी भाई यहाँ पे भी लद्दाख में भी ट्रैफिक लगता है भाई, चेक करो यार। मैंने सोचा था यहाँ ट्रैफिक नहीं होगा, बट यहाँ पे भी ट्रैफिक है, क्या बात है। गाड़ी हमने वॉश करा दी है, काफी बातचीत रही, अच्छा लगा भाई बात करके। तुम्हारा भाई ब्लॉग्स करने की कोशिश कर रहा है, तो कल मैं और आयरा जाएंगे भाई अच्छे से घूमने के लिए, तो कल का ब्लॉग जो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, होपफुली आप चैनल को सब्सक्राइब करके। अभी ना मैंने फ्रंट लाइट्स जो है वो ऑफ करके रखी है, बिकॉज फ्रंट लाइट्स ऑफ करता हूँ वो इतनी ज्यादा तेज है ना कि सामने वाला बंदा ना गाली देता है भाई कि भाई नीचे कर। डिपर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो तुम्हारा भाई रिएक्शन देखो यार।
रिएक्शन देख पा रहोगे यार, रिएक्शन बहुत गंदे मिल रहे हैं। निकलते हैं, चलते हैं भाई, लाइट्स ऑफ करके ही चल रहा है तुम्हारा भाई। तो इसकी जो खुद की लाइट्स है वो भी है, बढ़िया लाइट्स है, देख पा रहे हो। इस गली से मैं जा रहा हूँ ना, पीछे से लोग सीटियां मार रहे हैं और आमिर माजिद कह रहे हैं भाई। मतलब इस गली में भाई कम से कम नहीं तो हर दो दुकान के बाद एक बंदा मुझे जानता है। रास्ता देखो कितना तंग है यार। फिर आ चुके गाइस हमारे होटल पे। गाड़ी जो है वो कुछ इस तरह की लग रही है, अभी बहुत प्यारी लग रही है। और मुझे पता तेरे क्या इरादे हैं, लेकिन मैं तुझे गाड़ी दूंगा नहीं चलाने के लिए। कल चलाएंगे, अभी रात हो गई। मेरी बात अभी कहाँ जाओगे, बाहर कहाँ जाएंगे? अभी इसकी लाइट्स बड़ी ब्राइट है, लाइट्स ऑन कर देना, सामने अंधा हो जाता है। ये सीट फिक्स है इसकी, ना आगे होती है ना पीछे होती है। पैर नहीं पहुंचे, कोशिश तो कर। ये चक्कर आयरा स्टीयरिंग टूट जाएगा। बस 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 भाई, लड़की एक्सीलेटर दे रही है तो इसलिए साउंड थोड़ा अजीब सा ही आ रहा है, बिकॉज प्यार से चिल्ला रही है, प्यार से। झूठे, ये क्या है? क्या होती तो है नहीं होती है, ये क्या है फिर इसके नीचे? क्या है ये क्या है? आगे होने वाला चला लेगी ना। तो आज के वीडियो को यही एंड करते हैं, ये लड़की वरना बहुत पंगे करेगी, इसको निकालते हैं गाड़ी से बाहर। चल चल आयरा, चल अंदर। सो आज के वीडियो को यही एंड करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, 100K करवा दो जल्द से। कैसे नमस्ते वीडियो में, स्वस्थ मस्त कुछ खाते पीते रहो, ऐसे प्यार बरसाते रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। Peace out and bye-bye. Bye.